कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। अयोध्या में भी 500 वर्षों तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन यूपी के सियासी रण में पीएम मोदी के तेवरों का ये वो तड़का है जो विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि अब की बार 400 पार और यूपी के मिशन 80 के लिए पीएम मोदी ने राम मंदिर से लेकर सीएए सरीखे मुद्दों को धार दी है और निशाना सीधे सपा और कांग्रेस पर लगाया है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। दरअसल पश्चिम के रण में जीत के समीकरण बनाने के लिए पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारे वार किए। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जहां मुस्लिम लीग की छाप बताया तो वहीं 84 के सिख दंगों का भी जिक्र आया। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। पहले चरण में पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी के तेवरों में बीजेपी का जोश हाई है। वहीं पीलीभीत के इसी मंच से सीएम योगी ने माइक संभाला तो एक के बाद एक कई प्रहार कर दिए। करतारपुर साहिब का आपने देखा होगा, करतारपुर साहिब में कॉरिडोर को मोदी जी ने खुलवा दिया। पाकिस्तान रोड़ा था, कांग्रेस रोड़ी थी, रोड़ा बन रही थी, लेकिन मोदी जी ने वो सब कर दिखा दिया। और अयोध्या में भी 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। बीजेपी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत भी की है। कांग्रेस कह रही है कि नौकरी रोजगार की गारंटी में इन्हें मुस्लिम लीग क्यों दिखता है। मैंने इस बात का बार बार खंडन किया हूं। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। इधर अखिलेश यादव के लिए मुख्तार पर दुलार भी भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। बहरहाल 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, इसलिए यूपी के सियासी गलियारे में घनघोर घमासान है। पीएम मोदी और सीएम योगी धुआंधार रैली और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी खेमे से अभी एक भी रैली का शुभारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि बीजेपी के वार पर कब पलटवार करेगा विपक्ष। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का मिशन विपक्ष की बढ़ाएगा टेंशन